afternoon, ladies and gentlemen. साथियों आज आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है स्टार एपेक्स के इस एक्सक्लूसिव कार्यक्रम में. साथियों आज का दिन बुटीबोरी के इतिहास में एक नया पड़ाव लाने वाला है. साथियों आज हम लोग जो चीज आप लोगों को दिखा रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब किसी भी क्षेत्र में ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ इकोनॉमी जनरेट करती है और इकोनॉमी जब जनरेट होता है तो आम आवाम को कुछ फायदा भी होता है. साथियों आज हमारे बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, साथ ही साथ गडकरी जी, बावनकुले जी, ऐसे नामांकित लोग यहाँ पर मौजूद थे. बुटीबोरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी उन्होंने विजिट किया. साथ ही साथ यहाँ पर पॉल परिवार ने एक बिस्क फार्म नाम का बहुत बड़ा जायंट वेंचर यहाँ पर शुरू किया है जो कि बिस्किट्स को यहाँ पर निर्मित करेगा. इस निर्मिति के माध्यम से दो चीजों का फायदा होगा, एक रोजगार, दो MIDC का ग्रोथ. MIDC का जब भी ग्रोथ होता है बुटीबोरी का नाम बढ़ता है. साथियों इसकी सारी डिटेल रिपोर्ट देखिए हमारे वीडियोग्राफर सत्या और नागेश के माध्यम से आप तक पहुंचेगी. इसकी सारी डिटेल रिपोर्ट आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि इसमें एक प्रॉमिस जो की गई है खास करके वो प्रॉमिस ये है कि यहाँ के जो लोकल 1500 लोग हैं उनको नौकरी के इंतजाम भी किए जाएंगे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Very busy. I would request Honorable CM Sir to kindly address us. We are eagerly waiting for to hear from you, sir. आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, चंद्रशेखर बावनकुळे जी, समीर मेघे जी, श्री अनूप कुमार जी, विशेष रूप से जिन्होंने इस बिस्क फार्म को शुरू किया, ऐसे श्री केडी पॉल, श्रीमती पॉल, श्री अर्पण पॉल, श्री विजय सिंह, मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं श्री पॉल इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज एक बड़ी ही स्टेट ऑफ आर्ट ऐसी बिस्किट और स्नैक्स की फैक्ट्री उन्होंने यहाँ पर शुरू की. और अभी हमने गडकरी जी ने और मैंने अंदर जाकर देखा तो बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड वे में और हाइजीनिकली सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही है. तो मैं आदरणीय गडकरी जी की ओर से और मेरी ओर से बिस्क फार्म को और सास फूड्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. भारत ये बिस्कुट का एक बहुत बड़ा मार्केट है और शायद दुनिया में अगर हम देखें तो बिस्किट का जो कंजम्पशन होता है उसमें भारत बहुत ऊपर है. सबसे ज़्यादा बिस्कुट खाने वाले हम लोग हैं और भारतीय बिस्कुट को बहुत पसंद भी करते हैं, उसके अलग अलग जो क्वालिटीज़ होती है उसको भी पसंद करते हैं. तो आज ये जो फैक्ट्री यहाँ तैयार हुई है बिस्क फार्म ने पिछले समय विशेषकर पूर्वी भारत में कोलकाता हो, बंगाल हो, सारा पूर्वी भारत का क्षेत्र हो, यहाँ पर एक अपनी ताकत जमाई, अपनी पेट जमाई है. और अब नागपुर में आने के बाद मुझे विश्वास है कि आप सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में भी बहुत बड़ी अपनी ताकत यहाँ पर जमाएंगे, अपनी पेट जमाएंगे. और बिस्क फार्म ये यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा नाम रहेगा. जिस समय आप मुझे मिलने आए थे उस समय आपने कुछ मुझे सैंपल दिए थे तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही टेस्टी इस प्रकार का सारा आप लोग जो तैयार कर रहे हैं बिस्किट्स और सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी है और लोगों को निश्चित रूप से वो पसंद आएगी. सबसे महत्व की बात है कि हमने आपको मेगा स्टेटस दिया है और आप इस फैक्ट्री में 1500 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय करेंगे
तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नागपुर और आसपास के इलाकों के जो हमारे बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग भी मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और हमारे नितिन जी का ये हमेशा आग्रह होता है कि लोकल्स को यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, और नितिन जी ने ये तय किया है कि हम 5 साल में 50,000 लोगों को इस मिहान और MIDC में बुटीबोरी में एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो उसमें का एक हिस्सा भी आपने भी यहाँ पर उठाया, इसलिए नितिन जी की ओर से और मेरी ओर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और फिर एक बार ये आपका वेंचर बहुत सक्सेसफुल हो, आप इसको और एक्सपांड करें, आपको जिस चीज की भी आवश्यकता होगी नितिन जी और मैं आपके साथ खड़े रहेंगे, बावन कुड़े जी हम सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हाँ, वैसे एक चीज, बावन कुड़े जी चूंकि पावर मिनिस्टर है तो बावन कुड़े जी ने जो नया पैकेज विदर्भ के लिए तैयार किया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज सबसे सस्ती बिजली महाराष्ट्र में कहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पर मिल रही है, और छत्तीसगढ़ से भी सस्ती बिजली अब यहाँ पर आपको मिल रही है, और ये ऐसे ही मिलती रहेगी, आप चिंता मत करिए। तो इसलिए बावन कुए जी कह रहे हैं कि एक और यूनिट आप डालिए, मुझे विश्वास है आप जरूर एक्सपांशन करेंगे। फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आगे बढ़िए, धन्यवाद, जय हिंद।